For latest videos of Radio Udaan, do subscribe our YouTube channel and press the bell button. नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। हेलो एवरीवन, और आप आ चुके हैं मेरे साथ इस खूबसूरत से सफर में जिसका नाम है हिट्स एंड मेमोरीज। बज चुके हैं शाम के 8 और आ गई हूँ मैं आपके साथ, थामने आपका हाथ, लेकर चलने आपको कुछ खूबसूरत सी यादों और गीतों के सफर में। इन दिस शो हिट्स एंड मेमोरीज आप हैं मेरे यानी अपने दिल की आवाज रेशमी रेशम के साथ, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो स्वागत है आपका, बहुत 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 स्वागत है इस खूबसूरत से एक और हिट्स इन मेमोरीज के यादों के कारवां में। उम्मीद है आज भी आप ऐसे ही मेरे साथ चलेंगे, मेरा हाथ थाम कर इस सफर में। तो जुड़े रहिए हिट्स एंड मेमोरीज में मेरे साथ और सुनिए ये खूबसूरत सा गाना इसी बात पे, बाय के। तो इसी बात पे जुड़ जाइए मेरे साथ, वापस लौटूंगी इस खूबसूरत से गाने के बाद और करेंगे कुछ ढेर सारी बातें। तो सुनते रहिए शो हिट्स एंड मेमोरीज मेरे साथ, स्टे ट्यून्ड। एक झरोखा खुला
बदल डाले रस्म में सभी इसी बात पे, इसी बात पे, इसी बात पे, वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग इसी बात पे संग बाय के आप हैं मेरे यानी अपने दिल की आवाज रेशमी रेशम के साथ और सुन रहे हैं शो हिट्स एंड मेमोरीज ओनली ऑन रेडियो उड़ान ऑफ लाइट ऑफ लाइफ। तो आज मैं यूं ही सोच रही थी खतों के बारे में। जी हाँ, खत जो कि हमारे किस्से हमारे कहानियों का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा होते हैं, शायद हमारी जिंदगी का भी। आज सोशल मीडिया ने हमारी लाइफ काफी आसान बना दी है, राइट? व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, मैसेंजर, स्काइप। एक पल में किसी को संदेश भेजा और तुरंत ही अगले पल में उसका जवाब भी आ जाता है। लेकिन क्या आपने भी वो खतों की दुनिया एक्सपीरियंस की है? क्या आपने भी उस खतों की दुनिया को जिया है जिसमें कि बहुत ही खूबसूरती से स्याही से अपने दिल की बातों को हर्फों में बयां करके किसी को भेजा हो और फिर कई दिनों तक उसके जवाब की राह देखी हो और उसके जवाब के इंतजार में आंखें पोस्टमैन पर ही गड़ी रही हो रोज कि कब वो आएगा और वो खत आपको मिलेगा। जी हाँ, कितना मीठा होता होगा वो इंतजार। और जैसा हम कहानियों और कविताओं में पढ़ते हैं सुनते हैं खतों के बारे में, बट आज की दुनिया में खत कहीं ना कहीं खो से गए हैं। मैं कई लोगों से सुनती हूँ कि वो लोग पहले हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली, क्रिसमस के, बर्थडे के कार्ड्स बनाकर अपने फ्रेंड्स को पोस्ट किया करते थे, पर आज हम एक सिंपल सा मैसेज टाइप करते हैं और उधर से तुरंत जवाब आता है सेम टू यू। बट क्या ये सब चीज़ें खतों को रिप्लेस कर सकती हैं? मुझे नहीं लगता कभी भी। खतों की अहमियत कभी कम नहीं हो सकती और आज के दौर में खत सिर्फ ऑफिशियल ही रह गए हैं और उससे ज़्यादा शायद कुछ नहीं। सो इसके बारे में और बात करेंगे, तब तक आप सुनिए ये ब्यूटीफुल सा गाना फ्रॉम द फिल्म वेलकम टू सज्जनपुर, एक मीठा दर्द देने। बहुत ही प्यारी फिल्म है, खतों पर ही बेस्ड है और उम्मीद है आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच और कीप लिसनिंग हिट्स एंड मेमोरीज विद मी, स्टे ट्यून। पीछे छलके तन्हा आंसू कोई तेरी याद जब सताए वो छलके छलका जाए यूं ही इस खत की जो है स्याही सुन मेरे आंसू से है बनी मेरा दर्द भी तू ही है जाना है दवा तू मेरी एक मीठा मर्ज देने आना तुम यूं ही एक दवा का कर्ज देने आना तुम यूं ही सुनी सुनी रातों में खोए खोए ख्वाबों में आना आना यूं ही एक मीठा मर्ज देने आना तुम यूं ही एक दवा का कर्ज देने आना तुम यूं ही तुम जो नहीं
तारे रोशन नहीं, तुम जो नहीं तो जिंदगी की तस्वीरों में रंग नहीं, चंदा नहीं सूरज नहीं, जो तू नहीं कुछ भी नहीं, थोड़ी चांदनी लुटाने आना तुम यूं ही, थोड़ी धूप छिड़क जाने आना तुम यूं ही। तुम जो नहीं तो मेरी सुखी है गजल कोई सुर नहीं, वेलकम बैक टू द शो हिट्स एंड मेमोरीज। स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से गाने के बाद, एक मीठा दर्द देने आना तुम कभी, एक दुआ का कर्ज देने आना तुम कभी। जी हाँ, आज मैं बात कर रही हूँ उस खतों के जमाने की, यानी कि 40s, 50s, 60s या 70s का जमाना। और आज हमारी लाइफ कितनी बिजी हो गई है, और उस जमाने में टीवी और रेडियो होता था, और जब टीवी आया तो बहुत ही गिने चुने लोगों के घर में शायद टीवी था, वो भी ब्लैक एंड वाइट, और पूरा का पूरा मोहल्ला, पूरी सोसाइटी वहाँ जमा हो जाती थी हर सैटरडे संडे वो देखने के लिए, जो एक मूवी डीडी नेशनल पे आती थी। और वो सोशलाइजेशन का अलग ही मज़ा होता था, किसी में कोई भेदभाव नहीं होता था कि ये मुझसे ज़्यादा अमीर है या मैं इससे ज़्यादा अमीर हूँ या मेरे पास इतना कुछ है नहीं इसके मुकाबले। लेकिन आज शायद कहीं ना कहीं हम लोग अपनी ही लाइफ में एक कॉम्पिटिशन की तरह जी रहे हैं, कॉम्पिटिशन की तरह अपनी लाइफ्स को बिता रहे हैं, राइट गाइस? कि हम एक दूसरे को देखकर कोशिश करते हैं कि हम भी वो संसाधनों को जुटा सकें जो उस शख्स के पास हैं या जो वो शख्स या इस्तेमाल कर रहा है, राइट? लेकिन उस समय का दौर, वो मीठा दौर, वो एवर ग्रीन एरा जिसे हम याद करते हैं, तब शायद ऐसा नहीं होता था। शायद तब लोगों की ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा ही सुकून होता था, क्योंकि आज की भागती दौड़ती और बिजी लाइफ्स में कहीं ना कहीं गुम हो गया है। तो आप उस सुकून को तलाशिए
और जो आपके पास है उसी में ही शुक्र कीजिए, क्योंकि हमें जितना दिया गया है शायद वो हमारे लिए इनफ होगा, ये हमें याद रखना चाहिए। और सुनते रहना है आपको हिट्स एंड मेमोरीज मेरे साथ और ओनली ऑन रेडियो डांस अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। अभी मैं जा रही हूँ ये खूबसूरत सा गाना तेरा चेहरा, सुनिए इसे एंड एंजॉय कीजिए। तेरा चेहरा ये वो सॉन्ग नहीं है जो मैंने लास्ट शो में बजाया था, ये है फ्रॉम द फिल्म सनम तेरी कसम और आवाज़ है अरिजीत सिंह की। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए।
वेलकम बैक आफ्टर दिस वंडरफुल सॉन्ग बाय अरिजीत सिंह एंड आप सुन रहे हैं हिट्स एंड मेमोरीज मेरे यानी आपके दिल की आवाज रेशमी रेशम के साथ ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. और मुझे फीडबैक देना ना भूलें ऑन माय स्काइप आईडी रेशम तलवार. ट्विटर पे भी हूँ @RJReshamT11 के नाम से. फेसबुक पे हूँ रेशम तलवार के नाम से पेज और प्रोफाइल दोनों है. और इंस्टाग्राम पे हूँ RashamT11 के नाम से. सर्च कर सकते हैं वहाँ पे. आइए बहुत सारी ढेर सारी चिट चैट करेंगे बातें करेंगे और उम्मीद है आप मुझे ज़रूर आपका फीडबैक देंगे और मुझे उसका इंतज़ार रहेगा. और आज जिस एरा की मैं बात कर रही हूँ वो गोल्डन एरा खूबसूरत एरा. मैं जानती हूँ कि बहुत सब लोगों को कुछ ना कुछ उनकी खट्टी मीठी यादें तो ज़रूर याद आ गई होंगी इस ब्यूटीफुल से एरा को याद करके और मेरे साथ इस एरा में चलकर. अगर ऐसा है तो प्लीज़ उसे मेरे साथ शेयर कीजिए. आई वुड लव टू हियर योर मेमोरीज व्हाट यू हैव गॉट. एंड जहाँ तक मैं बात कर रही थी कि सोशलाइजेशन की और तो तब पड़ोसी भी एक दूसरे के साथ परिवार के जैसे रहते थे. एक वन फैमिली बनकर रहते थे और किसी को कुछ खास इनसिक्योरिटी नहीं थी एक दूसरे से. सभी एक दूसरे की खुशी में दुगना खुश होते थे. राइट गाइस, दुगना खुश होते थे. और आज हमारी ऐसी हालत हो गई है कि हमें अपनी ही खुशियों में खुश होने का समय नहीं है. कुछ भी हम अचीवमेंट अपनी लाइफ में करते हैं तो हम सोचते हैं ठीक है ना यार हो गया ओके. और उस अचीवमेंट को पाने के बाद हमें ये फिक्र हो जाती है कि ये तो पा लिया, अभी इससे आगे मुझे और भी बड़ा करना है. गाइस रुकिए, दो मिनट रुक जाइए प्लीज़. पहले इस अचीवमेंट को तो इन्जॉय कीजिए जो अभी अभी आपको मिली है तोहफे में और आपने उसे अपनी मेहनत से पाया है. बाद में उससे आगे का सोचिएगा. तो लिव द मोमेंट गाइस, जो इस पल है वो जीजिए और खुश रहिए. खुश रखिए अपने आसपास वालों को और खुशी बांटिए. जितना बांटेंगे उतने ही आपके हिस्से में आएगी. और सुनते रहिए हिट्स एंड मेमोरीज मेरे साथ और बजा रही हूँ अभी नेक्स्ट ट्रैक बहुत ही खूबसूरत सा. इसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लेने वाली हूँ मैं. जानती हूँ मेरा ब्रेक छोटा होता है लेकिन वो इतना छोटा नहीं होता क्योंकि क्या करूँ, एक ही तो ब्रेक लेना होता है मुझे, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है. तो सुनते रहिए रेडियो उड़ान और लौटूंगी इस गाने और ब्रेक के बाद और करेंगे और भी ढेर सारी ऐसी ही हल्की फुल्की खट्टी मीठी जिंदगी की बातें. तब तक सुनते रहिए हिट्स एंड मेमोरीज. स्टे ट्यून. सब मेरा रब जानता है, तू है रब मेरा. इंसान मैं हूँ तेरा हमदर्द साथी मेहरबान मैं हूँ. वक्त हंसी तेरे साए में बीते, वक्त हंसी
जानता है, तू है रब मेरा रब जानता है, तू है सब मेरा रब जानता है, तू है रब मेरा। करूंगा तेरी हर कदम, ये वचन टूटेगा जीते जीना सनम, वक्त हंसी तेरे साये में बीते, वक्त हंसी तेरे साये में बीते, खिल उठे दिल का जहां, तू है रब मेरा रब जानता है, सब मेरा रब जानता है, तो नैनों में आओ ना काजल भरे, दोनों आंखों ही आंखों में बातें करें, वक्त हंसी तेरे साए में बीते, वक्त हंसी तेरे साए में बीते, खिल उठे दिल का जहां, तू है रब मेरा रब जानता है, सब मेरा रब जानता है, तू है रब मेरा रब जानता है, तू है रब मेरा रब जानता है, तू है सब मेरा रब जानता है, तू है रब मेरा। हेलो हेलो बिट्टू। हाँ यार, तू आया नहीं, मैंने कल बताया था कि इंटरव्यू के जाना, मेरी ट्रेन निकल जाएगी, कहाँ है तू? हाँ यार बस आ गया, 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं बस तेरे पास। हेलो। हाँ यार बिट्टू, 5 मिनट रह गए, मेरी ट्रेन निकल जाएगी, कहाँ है तू? बस यार बाहर ही हूँ, आ रहा हूँ, तू बस वेट कर, आ गया मैं। अब नहीं आओ, निकल गई ट्रेन, निकल गई ट्रेन, निकल गई ट्रेन, निकल गई ट्रेन। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों, कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन। हमारी जिंदगी को और भी खूबसूरत बनाता है PYAR, यानी कि प्यार। मेरी लाइफ में सिर्फ दो चीज है, प्यार 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 या मोर मोर मोर। करिए अपने प्यार का इजहार एक अनोखे तरीके से, शेयर करिए अपने प्यार की कहानी विद मेरी जुबानी। अपने प्यारी सी लव स्टोरी को शेयर करने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं PWOPATEL55@gmail.com पर, या फिर लॉग इन कीजिए www.radiouran.com। सुनते रहिए, जिंदगी खूबसूरत है, विद आरजे धड़कन ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आपकी जिंदगी में नए दरवाजे खोलती हैं किताबें, और बनाती हैं आपकी जिंदगी को और भी खूबसूरत और हसीन।
इन्हीं किताबों को आपकी जिंदगी का अटूट हिस्सा बनाने मैं आरजे निशा लेकर आ रही हूँ शो बुक वर्ड, जिसमें होंगी वो किताबें जिन्हें आप खुद पसंद करेंगे। इस शो को सुना ना भूलिए हर बुधवार रात 8 से 9 बजे तक और हर गुरुवार दोपहर 3 से 4। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.radiouran.com। कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स। ओ शट अप यार। यार किरण, मैं सोच रहा था कि इंग्लैंड चला जाऊं। वाओ दैट्स ग्रेट यार, पर वहां जाने में तो बहुत पैसे खर्चे हो जाएंगे। नहीं यार, सोचने के भी पैसे लगते हैं क्या? ओ जस्ट शट अप यार। टू नो मोर लॉग ऑन टू www.radioudan.com। कीप लिसनिंग एंड कीप लाफिंग विद रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। क्या हुआ, मुंह क्यों लटकाया हुआ है? यार क्या करूं, दुखी कर दिया है घर वालों ने। लड़की ढूंढ, शादी कर ले, उनको समझ नहीं आता मैं ब्लाइंड हूं। कहां से ढूंढूं लड़की, जिस भी वेबसाइट पे जाता हूं एक भी वेबसाइट एक्सेसिबल नहीं है। तो चिंता किस बात की, आज ही डाउनलोड करें इनक्लब INCLOV, अ फुली एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव ऐप जो कर सकता है आपके सपनों को साकार और दिला सकता है आपको आपका मन चाहा लाइफ पार्टनर। इसे आप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आज ही लॉगिन करें www.inclub.com और कॉल करें 01244034567। हैप्पी मैच मेकिंग। यार तू आजकल क्लास में बहुत आंसर्स दे रही है, कोई मेमोरी बढ़ाने की मेडिसिन ले रही है क्या? ये मेरी मेमोरी का कमाल नहीं, ईवो E5 डेजी प्लेयर का कमाल है, जिसने हम विजुअली चैलेंज लोगों की स्टडीज को और आसान बना दिया है। ओ तो ऐसी भी क्या खास बात है इस ईवो E5 में? अरे ई बुक्स पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट है स्टॉप वॉच, वॉइस रिकॉर्डर, कैलकुलेटर, टॉकिंग कंपास, FM रेडियो जैसी यूजफुल चीजें एक साथ है। अमेजिंग, लेकिन यार PDF फाइल्स पढ़ने का भी कोई जुगाड़ है इसमें? अरे PDF टेक्स्ट के अलावा e-text, EPUB, डॉक्यूमेंट फाइल और HTML फाइल्स को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन इसे संभालेगा कौन? अरे ये तेरी पॉकेट में आसानी से आ जाएगा। बैटरी के साथ इसका वेट सिर्फ 76 ग्राम्स है। इंटरनल फ्लैश कैपेसिटी 4 से 8 GB, सपोर्टेड माइक्रो SD कार्ड, एक्सपेंडेबल मेमोरी अप टू 32 GB। बस बस यार जल्दी बताइए, मिलेगा कहाँ से? अरे और कहाँ, सक्षम से। हेल्पलाइन नंबर दूं क्या? अरे मेरे पास भी है 01164650655। ईवो E5 डेजी प्लेयर न्यूआंस वोकलाइजर के साथ अंग्रेजी के अलावा 6 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। ये भाषाएं हैं हिंदी, कन्नड़, बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु। ईवो E5 डेजी प्लेयर के लिए थैंक्स सक्षम। हेलो, हाय, कैसी है? क्या बताऊं यार, बहुत बोर हो रही हूँ, ये छुट्टियां भी ना बोर ही कर देती हैं। अरे अब तो बोर मत हो, एक बहुत ही एक्साइटिंग रेव अप ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बिली नेबल्स वाले, 1 जुलाई संडे को। रेव अप ट्रिप मतलब? अरे मतलब फुली एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव ट्रिप टू एडवेंचर आइलैंड। इसमें बहुत कुछ होगा, जैसे कि पूल पार्टी, ढेर सारी राइड्स, रेन डांस, म्यूजिक, डांस एंड मैजिक शो एंड व्हाट नॉट। हम लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं और बहुत सारे बम्पर गिफ्ट्स होंगे, खाना पीना सब होगा। वाओ यार एक्साइटिंग। तू और तो सुन, पता है मेट्रो वॉक में उस दिन के लिए 50-70% डिस्काउंट भी मिलेगा हर नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड पे। मैं तो बहुत सारी शॉपिंग करूंगी, तो चलेगी ना? ये भी तो पूछने वाली बात थोड़ी है, ऑफ कोर्स हम चल रहे हैं। यप्पी, बुक योर टिकट्स नाउ ओनली एट INR 999, विजिट www. फॉर एनी अदर इंफॉर्मेशन यू कैन मेल अस एट assist@billionables.com। कुछ
चटपटे रसीले किस्से। यहाँ बना तुसी ग्रेट हो तोफू कबूल करो। आपके अपने चहेते कलाकारों की संघर्ष से सफलता की कहानियाँ। जब आंसू खत्म हो जाते हैं डॉक्टर, तो रोने का काम हंसी से लेना पड़ता है। और उनके कुछ रोमांचक किस्से। तुम्हारा प्यार अगर मेरा साथ नहीं देता तो मुझे जिंदगी में यह खुशी कभी नसीब ना होती। मैं रफ्तार रुचिका लेकर आती हूँ आपके पास उस शो में जिसका नाम है बीते लम्हे। बुधवार शाम को 7 से 8 सुन सकते हैं और रिपीट टेलीकास्ट सुनेंगे बृहस्पतिवार को दोपहर 2 से 3। सुनते रहिए बीते लम्हे रेडियो उड़ान द फ्लाइट ऑफ लाइफ। हर कदम आसान है, इसे बढ़ाइए। ब्लाइंड ग्रेजुएट्स फोरम ऑफ इंडिया के मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़िए। कुछ लोग उनकी मंजिल तक पहुंच रहे हैं, इनके अनुभव का लाभ उठाइए। अगर आप स्टूडेंट हो और आप अपने करियर को लेकर कंफ्यूज्ड हो तो इनकी गाइडेंस और डायरेक्शन आपके लिए वैल्यूएबल है। कई फील्ड्स के कामयाब प्रोफेशनल से 1-on-1 मेंटरशिप आपके लिए अवेलेबल होगी। अधिक जानकारी के लिए कॉल कीजिए 9892145699। ईमेल कीजिए contact@bgfi.in। गेट मोर डिटेल्स ऑन www.bgfi.in। अब आपकी भी मंजिल होगी। मैं आनंद आतलेकर हूँ, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया का माननीय सेक्रेटरी हूँ। मैं आप सबका उड़ान चैनल पे स्वागत करता हूँ। नैब इंडिया ये भारत में सबसे पुरानी संस्था है। यहाँ दृष्टिहीनों के लिए एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये नौकरी अपनी काबिलियत की वजह से मिली है, और पुनर्वसन की सेवा दी जाती है। नैब इंडिया पर संपर्क करने के लिए आप हमें ईमेल करें hsg@nabindia.info। आप कॉल कर सकते हैं 02266838637। अगर एक नुक्कड़ पर चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो मैं क्यों नहीं। अगर एक कचरा उठाने वाला इंसान दुनिया के बेस्ट क्रिकेटर्स की लिस्ट में आ सकता है तो मैं क्यों नहीं। सोच है ये, आपने सोच में किसको पकड़ा है। आपके माइंड में कुछ आएगा तभी तो वो चीज होगी। अगर माइंड में हिमालय नाम का पहाड़ होगा तभी तो उस पे चढ़ोगे। माइंड में हिमालय है ही नहीं तो कैसे चढ़ोगे। सोच का दायरा बदलो, जिंदगी जीने के मायने बदलो। कब तक ऐसे रोतलू के गड्ढे में गिरोगे, हर कल में आज की बुलंदी को छू लो। लोग क्या कहते हैं ये अगर हम सोचने बैठ जाएंगे तो आप कितने क्रिएटिव हैं ये किसको दिखाएंगे। तो ऐसे चुपचाप ना बैठ, उठ खड़े हो और चल मेरे साथ सक्सेस के एक नई कहानी बनाने इंस्पिरेशनल विंग सीजन 5 में एवरी ट्यूजडे 9 to 10 PM और इसका रिपीट ब्रॉडकास्ट होगा हर बुधवार शाम 4 से 5 बजे RJ दिव्या के साथ। कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे दंगल 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 दंगल। रेडियो उड़ान के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहने के लिए। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग. आप सुन रहे हैं मेरे साथ हिट्स एंड मेमोरीज. मैं हूं आपके दिल की आवाज रेशमी रेशम ओनली ऑन रेडियो उड़ान ऑफ लाइट ऑफ लाइफ. और मैं खुशियों की बात कर रही थी गाइस. और खुशियों को दुगना करने में सबसे बड़ा रोल जो प्ले करते हैं हमारे परिवार. किस किस के पास संयुक्त परिवार है इस वक्त? संयुक्त परिवार आपको याद आ गए होंगे जब आप बचपन में थे. सभी लोग एक साथ एक ही घर में रहते थे और कोई ऐसा या कहें कोई झिझक नहीं होती थी एक दूसरे के साथ सब कुछ शेयर करने में. आज हम सिंगल फैमिलीज हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, फिर भी कहीं ना कहीं अपने भाई बहनों के साथ अपनी चीजें शेयर करने में हिचकिचाते हैं. हमें गलत लगता है कि अगर हमारा भाई बहन हमारी कोई चीज छू लेगा या हम उसके साथ कहीं ना कहीं अपनी सभी चीजें शेयर नहीं करना चाहते. ये मैं जज्बातों के बारे में भी बोल रही हूँ और रोजमर्रा की चीजों के बारे में भी बात कर रही हूँ. बट यदि हम वो गोल्डन एरा याद करें तब शायद ऐसा नहीं था. एक घर में 5 या 6 भाई बहन थे और सभी एक दूसरे की ही चीजें इस्तेमाल करके अपना गुजारा करते थे. वो दौर भी कितना अच्छा होता था. तब नीड्स बहुत कम थी शायद लोगों में और उनकी जरूरतें बहुत कम थी बट उतनी ही ज्यादा खुशियां थी. तो आप भी ऐसा कोशिश करें, शेयर करें, शेयरिंग की आदत को ना छोड़ें क्योंकि जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज्यादा ही प्यार आप रिटर्न में पाएंगे, राइट. और आज हम सिंगल फैमिलीज में रहते हैं. कभी कभी हम रिश्तेदारों से ज़रूर मिल लेते हैं या उनके घर चले जाते हैं बट मैं जानती हूँ जिन जिन लोगों की संयुक्त परिवार थे, जॉइंट फैमिलीज थी या अभी भी हैं, वो बखूबी समझ सकते होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ. कि वो प्यार चाचा चाची दादा दादी बुआ कजिन्स सब एक साथ होकर हर एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना. आज हम न्यूक्लियर फैमिलीज में रहकर भी अपने अपनी ज़िंदगी में इतने मसरूफ हो चुके हैं कि हमारे पास एक सैटरडे संडे के अलावा एक दूसरे से बात तक करने का समय नहीं बचता, राइट. सो समय निकालिए और एक दूसरे के साथ वक्त बिताइए. शेयर कीजिए अपने जज्बातों को, अपने ख्यालों को एक दूसरे से. और साथ ही में सुनते रहिए हिट्स एंड मेमोरीज एक साथ बैठकर मेरा शो. और फीडबैक देते रहिए. अभी प्ले कर रही हूँ ये खूबसूरत सा गाना. इसके बाद आऊंगी आपसे एक बार फिर मुखातिब होने. तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. स्टे ट्यून्ड. तुझे चांद चाहिए तो चांद दूंगा, जान चाहिए तो जान भी दूंगा, प्यार चाहिए तो प्यार दूंगा मैं. दिल का करार तुझको मैं ही दूंगा, तेरे पास पास मैं रहूंगा, प्यार चाहिए तो प्यार दूंगा मैं. तेरी धड़कनों में राहो मैं, तेरी ठंडी ठंडी आहो मैं, तेरी बहकी बहकी सांसों में मैं रहूंगा. तुझे चांद चाहिए तो चांद दूंगा, जान चाहिए तो जान भी दूंगा, प्यार चाहिए तो प्यार दूंगा मैं. एक प्यास है, एहसास है, सवाल
चाहिए तो चांद दूंगा, जान चाहिए तो जान भी दूंगा, प्यार चाहिए तो प्यार दूंगा मैं। वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। आप सुन रहे हैं मेरे यानी अपने दिल की आवाज रेशमी रेशम को, ओनली इन द शो हिट्स एंड मेमोरीज। और आज हमने ढेर सारी बातें की खतों के बारे में, वो पुराना दौर गोल्डन एरा याद किया हमने, और उम्मीद है आज का मेरा शो सुनकर आपको कुछ तो जरूर याद आया होगा। सो अगर याद आया है तो उसे बांटना जरूर याद रखिएगा मेरे साथ, मुझे फीडबैक दीजिएगा, इंतजार रहेगा आपके फीडबैक का। और क्या हम उस पुराने दौर को आज भी वापस ला सकते हैं? रेडियो पर आपकी फरमाइश सुनना, एक साथ विविध भारती सुनना और टीवी पर चित्रहार देखना, वो पुराना दौर। लेकिन आज शायद हम अपनी जिंदगियों में इतना बिजी हो चुके हैं, इतना व्यस्त हो चुके हैं कि हमारे पास खुद के लिए टाइम नहीं है, औरों के लिए क्या निकालें। सो खुद के अंदर देखिए, झांकिए और अपनी भागती दौड़ती जिंदगी को थोड़ा सा विराम दीजिए, रुकिए, रुक कर सोचिए, ठहरिए, अपने आसपास वालों को पहचानिए, अपने सच्चे दोस्तों से फिर से एक बार राब्ता कायम कीजिए और सुनते रहिए हिट्स एंड मेमोरीज। अभी लेती हूँ इस शो से इजाजत आज के लिए, फिर मिलूंगी अगले मंगलवार किसी और यादों के सफर में आपको ले जाने के लिए तैयार। तब तक सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मिलूंगी आपसे फिर कभी। स्टे ट्यून्ड एंड गुड नाइट, शब्बा खैर। अपना और अपने अपनों का खास ख्याल रखिएगा। बाय।
ख्यालों के साए दिल में कुछ ऐसे समाए, एक एहसास है तू मेरे पास है, फिर भी न जाने क्यों ये मन उदास है। Love.